बाद मामले को लेकर जिला कारागार पहुंच जेल अधीक्षक अमित दुबे से मामले का संज्ञान लेती महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास। मामले को तूल पकड़ते देख जेल कारागार के गेट पर पहुंच जेल अधीक्षक अमित दुबे ने साध्वी सविता जमुनादास से की बातचीत। पीड़ित परिजनों ने मीडिया से वार्ता कर दी मामले की संपूर्ण जानकारी। हरिओम कश्यप के साथ गौरव सक्सेना की रिपोर्ट। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जी, हम महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास अखाड़ा राम दिगंबर से, और हम एक समस्या में यहाँ पे इस समय जिला कारागार के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि हमारे संज्ञान में जस्ट अभी एक मामला आया है कि एक हिंदू लड़की को एक मुसलमान जो कि 19-20 साल की लड़की है, वो लड़की हिंदू है, उसको ऑटो में छोड़ने के लिए जाता था तो उसके साथ उसे फंसाया, और उसको एक नर्स मुसलमान है, और इन लोगों ने प्लान बनाया, इन लोगों ने लड़की को भी हाथ में बच्चा दे करके अस्पताल में ही बच्चा दे करके, और उस लड़की को ये दिखाया कि बच्चा चोरी कर रहे हैं ताकि जेल में ले जाएं, और जेल में ले जा, हाँ ये, और उसके वो चौकीदार है जिसने वो दिया था बच्चा चोरी का बनाया था। अब ये इनके फादर हैं और मदर यहाँ पे खड़े हुए, इधर आ जाओ आप लोग भी, कुल जुड़ा हुआ है क्योंकि लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जी, यहाँ अमिता दुबे जो है पुलिस जो है जिला अधीक्षक हैं, तो आप हमारी उनसे बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये आदेश किए थे कि किसी सरकारी संस्थान में लड़की को सुपुर्द किया जाए, क्योंकि वो लड़की ने पापा के सामने जाने के लिए मना कर दिया था कि हम सरकारी, तो हमने जब उनसे बैठ करके अब विचार किया और चर्चा की कि क्या कारण है, और हम उसको अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहते हैं, उसके फादर आए हुए हैं, उसके फादर भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और लड़की स्वेच्छा से जाना चाहती है हमारे साथ, तो हम उसको ले करके जा रहे हैं। बड़े अच्छे वातावरण में हमारी यहाँ पर बात हुई है, और कोई बात नहीं, गर्मा गर्मी हुई जो कुछ भी, लेकिन अंततो गत्वा की बात यही रही कि वो लड़की अब हमारे साथ जाने के लिए तैयार है, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हालांकि कब तक सुपुर्दगी दी जाएगी? अभी जा रहे हैं और लेके जा रहे हैं लड़की को।